अभी आप देख रहे हैं बजाज की पल्सर NS125 का लेटेस्ट 2024 मॉडल। बजाज कंपनी ने NS125 में काफी सारे नए अपडेट प्रोवाइड कर दिए हैं। यहाँ पे हेडलैम्प देख लीजिए, हेडलैम्प अब आपको फुल LED सपोर्टेड हेडलैम्प देखने को मिलेगा LED DR लाइट के साथ में। 2024 मॉडल है ये लेटेस्ट, जिसमें आपको अब मीटर कंसोल, फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। पहले आपको एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलता था, बट अब आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। और आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, इन्फॉर्मेशन डिटेल में देंगे, क्या कुछ नए अपडेट किए गए हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आमोद कुमार, आप देख रहे हैं राइडर AKB। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। स्क्रीन पे आपके सामने है बजाज की पल्सर NS125 का लेटेस्ट 2024 मॉडल और ये रेड कलर वेरिएंट है। पिछली वीडियो में हमने इसके ब्लू कलर वेरिएंट का रिव्यू दिया, दो कलर वेरिएंट बाकी रह गए हैं, उसका भी वीडियो आपको बहुत ही जल्द इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले फ्रंट का लुक आप देख लीजिए, फ्रंट का लुक पूरी तरह से चेंज हो चुका है। यहाँ पे पहले आपको हैलोजन बल्ब मिलता था, बट अब यहाँ पे आपको फुल LED सेटअप प्रोवाइड किया गया है। मेन हेडलैम्प में LED सपोर्टेड हेडलैम्प मिलेगा LED DR लाइट के साथ में। फ्रंट से जो इसका हेडलैम्प का लुक था वो भी अब आपको पूरी तरह से चेंज देखने को मिलेगा। विजिबिलिटी नो डाउट काफी बेहतर है। जो इंडिकेटर है वो आपको बल्ब वाले ही देखने को मिलेंगे, इंडिकेटर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो फ्रंट से लुक है वो आपको NS160 से इंस्पायर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए NS160 साइड में खड़ी है और ये NS125 है। तो फ्रंट से लुक अगर आप देखेंगे तो लुक आपको पूरी तरह से सिमिलर देखने को मिलेगा। दोनों ही बाइक में आपको फुल LED सपोर्टेड हेडलैम्प सेम डिजाइन के देखने को मिलते हैं। फ्रंट का सस्पेंशन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हमेशा की तरह आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट का ब्रेक 240mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, डिस्क ब्रेक है बट इसमें ABS अभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ABS का सपोर्ट इसमें अभी तक कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया गया है। 240mm डिस्क की साइज है, ब्रेकिंग काफी बेहतर है। सस्पेंशन के साइड में साइड रिफ्लेक्टर आपको मिलेगा। फ्रंट का टायर आपको 80x100 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको ग्रे कलर का स्प्लिट टाइप का न्यू अलॉय व्हील देखने को मिलेगा, जो कि स्पोर्टी लुक इसको प्रोवाइड करता है। यहाँ हैंडल पे देखेंगे तो ब्रेक लीवर के ऊपर आपको कवरिंग देखने को मिल जाती है, ये भी नई चीज है। सेफ्टी अच्छी खासी प्रोवाइड करता है और आपके ब्रेकिंग में कचड़ा नहीं जमा होने पाता। और यहाँ पे स्विचिंग क्वालिटी देखेंगे तो राइट हैंडल बार पे इंजन किल ऑन ऑफ स्विच के साथ पावर सेल्फ स्टार्ट स्विच मिलेगा। बैक लाइट स्विचेस है तो लाइट भी जलती हुई देखने को मिलेगी। स्विचिंग क्वालिटी काफी बेहतर है। लेफ्ट हैंडल बार पे लो बीम हाई बीम पासिंग स्विच के साथ एक एडिशनल स्विच प्रोवाइड की जाती है, जिससे आप मीटर कंसोल के फंक्शन को ऑपरेट कर पाते हैं। साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। स्विचिंग क्वालिटी काफी बेहतर रखी गई है, स्विचिंग क्वालिटी से कोई आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो यहाँ पे अब आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है। पुराने मॉडल में आपको यहाँ पे एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलता था, बट यहाँ पे न्यू अपडेट में फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जिसमें आप यहाँ पे देख लीजिए फ्यूल मीटर मिल जाता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर इसमें ऐड कर दिया गया है, टाइम भी आपको मिल जाएगा, ओडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, ये सारी चीजें आपको मिलती है। साथ ही साथ इसमें आपको रिफ्यूल का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, सेटिंग का नोटिफिकेशन मिलेगा। दो बटन प्रोवाइड किए गए हैं जिससे कि आप मीटर कंसोल के फंक्शन को ऑपरेट कर पाते हैं। डिस्टेंस टू एम्प्टी भी यहाँ पे आपको मिल जाता है और उसके साथ ही इसमें आपको AFE, IFE और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको मिलती है। तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद आप इसमें कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट का भी आनंद ले पाएंगे। मीटर कंसोल पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। मीटर कंसोल के ऊपर आपको एक लाइट देखने को मिलती है, जो कि आपके बाइक के फंक्शन के हिसाब से जलती है। यानी अगर आपका इंजन किल ऑफ है और बाइक ऑफ है तो ये रेड कलर की जलती है। स्टार्ट करते हैं, इको मोड पे चलते हैं तो ग्रीन कलर की जलेगी, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में अगर आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं तो ब्लू कलर की जलने लगती है। मीटर कंसोल पूरी तरह से अपडेटेड कर दिया गया है। टैंक पे E20 की बैचिंग मिल जाएगी, श्योर हो जाइएगा। लेटेस्ट OBD2 मॉडल है तो एथेनॉल मिक्स वाला इसमें पेट्रोल पड़ेगा। टैंक पे यहाँ पे आपको मैट फिनिश देखने को मिलेगा, गौर कर लीजिएगा। ये रेड कलर वेरिएंट है, इसमें आपको मैट फिनिश देखने को मिलता है। जो इसके बाकी के तीन कलर वेरिएंट है उसमें आपको ग्लॉस फिनिश देखने को मिलेगा। पल्सर की ब्रांडिंग 3D एम्बल्ड सिल्वर फिनिश के साथ ब्लैक आउटलाइन के साथ देखने को मिलेगी। टैंक के आगे आपको यहाँ पे टैंक पैड भी मिल जाता है। सीट कंफर्ट स्प्लिट सीट मिलेगी, सीट कंफर्ट काफी बेहतर है, बट राइडर की सीट कंफर्ट अभी भी आपको थोड़ी सी हार्ड देखने को मिलेगी। सीट काउल पे NS125 की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, जो कि स्टिकरिंग में रखी गई है, और आगे आपको
स्प्लिट टाइप के ग्रैब व्हील मिल जाते हैं। रियर सेक्शन का जो टेल लाइट है रेगुलर डिजाइन का देखने को मिलेगा, एलईडी टेल लाइट, और जो इंडिकेटर है वो भी आपको रेगुलर डिजाइन के बल्ब वाले इंडिकेटर मिलेंगे। नंबर प्लेट के ऊपर आपको एक एडिशनल एलईडी लाइट प्रोवाइड की जाती है। रियर सेक्शन में ब्रेक देखेंगे तो यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। डुअल डिस्क में अभी तक ये बाइक लॉन्च नहीं की गई है। 130mm का ड्रम ब्रेक रियर में आपको मिल जाएगा। रियर का जो टायर है वो आपको 100x90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप टायर साइज देख लीजिए, और व्हील पे आपको रेड कलर की स्टीपिंग भी देखने को मिल जाती है। टायर काफी बोल्ड और चंकी स्टाइल के रखे गए हैं। टायर पे हैगर गार्ड भी आपको मिल जाएगा। रियर का सस्पेंशन आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। सस्पेंशन क्वालिटी काफी बेहतर है। बॉक्स टाइप का स्विंग आर्म भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जो फुटरेस्ट है वो आपको फोल्डेबल देखने को मिलेंगे, गिरने पे टूटने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। और अंडर बेली एग्जॉस्ट इसमें आपको देखने को मिलता है, जो कि स्पोर्टी लुक के साथ स्पोर्टी ट्यूनिंग भी इसको प्रोवाइड करती है। 124.45 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व एयर कूल्ड BS6 फेज 2 कंप्लायंट DTSI इंजन देखने को मिलेगा। तो BS6 फेज 2 इंजन है, इंजन काफी रिडिफाइन हो चुका है, इंजन की स्मूथनेस भी काफी बेहतर मिलेगी। 8.82 किलोवाट की मैक्स पावर मिल जाएगी 8500 आरपीएम पे, और 11 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क मिल जाएगा 7000 आरपीएम पे। पावर और टॉर्क भी काफी बेहतर है, इनिशियल टॉर्क किसी तरह से लैक नहीं करता है, परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। ट्रांसमिशन में आपको 5 गियर देखने को मिल जाएंगे, और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सिस्टम भी मिलता है। इंजन के नीचे स्पोर्टी इंजन काउल भी आपको मिल जाता है, जो कि लुक को भी काफी ज्यादा इनहेंस करता है। जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आपको 12 लीटर की देखने को मिलेगी, 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। और यहाँ पे ब्रेक लीवर पे देखेंगे तो आपको नई चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको एक रेलिंग प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आपका पैर इंजन से टच नहीं होता है, तो आपके जलने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। जो फुटरेस्ट है वो भी आपको फोल्डेबल देखने को मिलते हैं, तो इससे इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी हो जाती है। जो करंट में इसकी ऑन रोड प्राइस है वो आपको 130,000 टू 135,000 रुपीज, 130,000 से 135,000 रुपए के बीच में देखने को मिलेगी कंप्लीट ऑन रोड प्राइस प्रयागराज यूपी की। तो कैसी लगी बाइक और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी तरफ से लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ न फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।